गिव या। जेवे ने खुद फ्रिज से चिकन निकाला, देखो खुद निकाल दिया स्टार, खुद फ्रिज से निकाल दिया चिकन उसने और मुझे लाके दिया। ओके मम्मा विल मेक यू हॉट एंड गिव। हाय गाइस, लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन, दो मिनट में मिलती हूँ। हाय ऑल, सो वी जस्ट फिनिश्ड मेकिंग राइट नाउ अ व्लॉग, अ व्लॉग नहीं हॉल बनाया था हमने, ये पूरा स्टेशनरी हॉल, टॉय हॉल जो भी था, बहुत सारी चीज़ों का हॉल बनाना था, तो दो तीन जगह का हमने ऐसे ही लेके रखा हुआ था, बट हमने हॉल नहीं बनाया था। सो अब फाइनली वो हॉल सारा बन चुका है, अब स्टारलेट इज लाइक अरेंजिंग एवरीथिंग। ये सब जेवी का है, ये तुम्हारा है। ओके सो स्टारलेट इज अरेंजिंग ऑल द स्टफ, सो ये नीचे वाला सेक्शन जो है ये स्टार का है, this one, so Starlet is arranging, keeping all the new things plus her books that she brought from India. So yes, बस ऐसे उसको फिक्स कर करके रख रही है ताकि सब एडजस्ट हो जाए। तो यस, तो वो सारा चीज़ें वो लिख के आई है ना, तो वही वो उसको अरेंज करके रख रही है। तो हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें लिया था, तो काफ़ी सी चीज़ें वहाँ पर भी पड़ी है, वहाँ पर भी पड़ी है। स्टार इज लाइक, मैं अपनी चीज़ें ही रखूँगी, देवी का अलग रखूंगी। हाँ, देवी का सेक्शन ऊपर है, देवी का अभी सी देखो, क्वाइट मेसी सी। ये मेन्यू कार्ड क्या कर रहा है इसमें? बिकॉज़ देयर आर जूसेस इन इट। यस देयर आर जूसेस इन इट एंड फ्रूट जूसेस। देवी सी जूसेस, देवी जाबो टेक जूसेस, सी जूसेस। देवी इज ऑब्सेस्ड विद फ्रूट्स एंड ही इज ऑब्सेस्ड विद जूसेस आल्सो, तो देखता रहता है वो। तो अब बस टॉयलेट अपनी चीज़ें सारी अरेंज करके रख देगी, फिर मैं झाड़ू मार दूंगी ना, तो इसीलिए मैंने उसको बोला फटाफट अरेंज कर दो। जेवी की भी चीज़ें हैं जो अरेंज करनी है, तो टॉयलेट इज जस्ट अरेंजिंग ऑल द न्यू स्टफ्स एंड देखते हैं इसमें से कितने हम इंडिया ले जाएंगे। कितने ले जाएंगे स्टार? एवरीथिंग, एवरीथिंग, कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं, सब लेके जाएंगे। ओके स्टारलेट की लिमिटेड स्टफ्स ये, ज्यादा नहीं है, कुछ कुछ हम इधर रख देंगे। जैसे मैं कुछ कुछ वो भी रख रही जो हमको लेकर जाना है रिटर्न गिफ्ट्स के लिए। हाँ वो सब चीज भी रख दूंगी मैं। हाँ ओके, रिटर्न गिफ्ट के लिए क्या है? ये जेविन का बॉक्स भी आप इधर ही रख दो आपके साथ ही। मेरे ये कौन सा बॉक्स था? ये उसमें डाल दो जेविन का। हाँ इट विल ऑक्युपाई अ लॉट ऑफ स्पेस ना, लेट इट बी। हाँ लेट इट बी, यू कैन पुट टू बॉक्सेस इन वन, लेट बी, कीप इट लाइक दैट ओनली। सो ये सब इंडिया ले जाने के लिए रखे हुए, आई डोंट नो कितना लगेज होगा हमारा, बट एज फार एज पॉसिबल नाउ नो मोर शॉपिंग। हाँ स्टार्ट, शॉपिंग इज ओवर, शॉपिंग इज ओवर, नो नो शॉपिंग इज ओवर, यू कांट टेक सो मेनी थिंग्स यार। हमको अभी लगेज भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास लिमिटेड चीजें, मतलब होनी चाहिए ज्यादा चीजें। क्या करोगे तुम? जितने का सामान नहीं उतना ज्यादा लगेज पे देना पड़ जाएगा। ये देखो कैसे सेटिंग अप हो रही है, अभी जोया आने वाली है, उसको भी दिखाना है चीजें ना, तो ऐसे सेट हो रहा है कि मतलब ऐसे एकदम अच्छे से दिखाया जाए, या बैठ के दोनों देखेंगे। चलो चलो रखो फास्ट फास्ट, तो पहले ये सेट करेंगे, फिर उसके बाद जेवी का भी स्टार्ट क्लीन करके रख देगी। अभी दो और कंपास लेना है। दो और कंपास लेना किसके लिए? कितने कंपास चाहिए तुमको? तुमने ऑलरेडी ले लिया ना दो, एक और ले रहा है, सॉरी दो है ना तुम्हारे पास, नए नए है ना दो तुम्हारे पास, एक और, वन मोर, वन मोर, वहां पे कमी है तुम्हारी। हाँ? कुछ भी हाँ, देखा चीजें निकल रही है, खत्म हो गए मेरे, हो गए फिनिश। अभी इसमें कुछ कुछ रिटर्न गिफ्ट्स के भी रखे हैं, रखे नहीं रखने हैं, एक ही तो रखा है, ये नीचे भी रखे नहीं, वो मेरे ये। हाँ पेन भी कितने सारे ये ले चुके हैं पता है, बहुत सारे पेन में लिए, वहां पे भी कुछ रखे थे पेन, सब ले लिए, सब डाल दिए पाउच के अंदर। हाँ पाउच के अंदर डाल दिए आपने सारे, काफी सारे पेन जो लिए हैं यहाँ से वो भी भर लिए इसमें, और जो लेकर भी आई थे। हाँ कुछ लेके भी आई थी लेकिन काफी सारे यहाँ से ही लिए, तो उसी को स्टार ने यहाँ पे भर भी दिया हुआ है।
हो गया आपका रिटर्न का? हाँ वो लेके आ जाओ, वो डाल दो, फिर जेवी का सेट करके रख दो, तब तक मैं तुम लोग का खाना गर्म कर लेती हूँ। द टाइम स्टारलेट इज क्लीनिंग, मैं ये वाले चीज़ें गर्म कर लेती हूँ बिकॉज दे आर फीलिंग हंग्री। आज लंच में नो राइस नथिंग। ये कल हम चिकन्स लेके आए थे ना, उसी को मैं गर्म कर रही हूँ। दीज आर लाइक सो बिग बिग पीसेज लेफ्ट, मतलब जो सबसे बड़े पीस होते हैं ना प्लेटर में, फोर पीसेस में से सबसे बड़े पीसेस बच गए हैं दोनों में से। सो दीज वी आर गिव, मैं दोनों को एक एक दे दूंगी, प्लस उन लोग मैंने आपको बताया था वो रोटी भी देते हैं, तो यस तो ये उनका रोटी है, तो दोनों को एक एक पैकेट रोटी दे दूंगी, दो दो रोटी है ये अंदर। प्लस वी हैव सो मेनी सॉसेज एंड फ्रेंच फ्राइज वगैरह, तो ये भी गर्म कर देती हूँ। माइक्रोवेव में गर्म कर दिया, पैन में भी गर्म कर दी ताकि अच्छे से गर्म हो जाए, एंड देन दे विल ईट दिस। गाइस यहाँ पे स्टार ने अपना तो सेग्रीगेट कर दिया, अब बस जेवियन का सेग्रीगेट कर रही है। जेवियन के भी, देवियन की चीज़ें बहुत सारी, देवियन के तो ऑलमोस्ट पजल्स हम यहीं पे छोड़ के आने वाले, वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी ऑफ दिस। और तो जितने भी स्टार बस फिल आउट कर रही है, और बाकी सारा भी मैं अपने सेक्शन में, हाँ रख दो। वो ग्लू स्टिक, वो हॉट ग्लू, वो फेविकॉल भी आपके उधर ही रख लो ना, फेविकॉल अच्छी है इसके साथ। ओह अच्छा, उसको वो ऐसे अभी बैठ के उससे कुछ एक्टिविटी कराना हो ही नहीं रहा हम लोग को कुछ, फिर गिर गया सब। How are these going to stay? No idea. Star का हो गया पूरा? अटक गया। कौन अटका हो? कहाँ से अटका? पता नहीं। तो नीचे का स्टार का सेट है। इस तरफ से क्या अटका? ओके ले। देख लेंगे। आप पजल एक तरफ रखो, बुक्स एक तरफ रखो, नीचे बुक्स इधर, पजल इधर। अभी थोड़ा सेग्रीगेट हो गए, पजल इस तरफ रख दी, बुक्स इस तरफ रख दी। लास्ट टाइम भी इधर रखा था, पर जेवी इधर आके इधर डाल देता है, फिर पजल इधर डाल देता है। वो तो ऐसे ही होना है, वो तो मिक्सर मैच हो ही जाता है, वो हो ही जाता है, कोई ऑप्शन बुक्स इधर रख दी, पजल सारे हो गए। नहीं एक सेकंड सारा सेट हो चुका है, सारी चीजें यहाँ पे रख चुके हैं, पजल्स बुक्स एंड एवरीथिंग, ये हो गया कलर्स एंड, और नीचे स्टार का भी सारा सेट हो चुका है, ये अभी ओपन नहीं हो रहा। लेट मी सी व्हाट इज द प्रॉब्लम, इधर से इधर कोई प्रॉब्लम है। स्टार का स्टेशनरी भी सारा सेट हो चुका है, सो दैट्स डन। ये दोनों इनके स्टेशनरी से ऊपर नीचे, अभी फिलहाल तो यही सेटअप है, तो इसलिए यहाँ पे रख दिया। हाय बोल दो। हाय एवरीबॉडी। हाय एवरीबॉडी। यस फोटो। वेयर आर वी गोइंग? गोइंग टू सुपरमार्केट। ओके ओके लेट्स गो। व्हाट डू यू वांट टू बाय बेबी टेल? सॉइस एंड Okay. And vegetables. Vegetables. And vegetable bag. Oh, good evening. So, कल के बाद आज हो रही है मुलाकात। आज तो हुई थी दिन में मुलाकात, जब स्टार का वो स्टेशनरी वगैरह क्लीन हो रहा था। But आज हम लोग निकल गए लेट, आज बिल्कुल कंटाल आ रहा था बिकॉज येस्टरडे इट रेन्ड हेविली एंड सडनली द क्लाइमेट हैज चेंज्ड, सडनली इट्स विंडी, इट्स ठंडी। कल एक्चुअली बहुत बारिश हुई, रात भर बारिश हुई, और सुबह से लेके मतलब इट वॉज सो ग्लूमी, यू कुड सी मतलब पानी ऐसे, अभी तो फिलहाल ड्राई हो गया बट ग्लूमी की वजह से अभी तक पूरा ड्राई नहीं हुआ, मतलब धूप नहीं हुआ। इस तरफ तो फिर भी ड्राई है, आगे पूरा वेट है। एंड आई कैन एक्चुअली फील वेरी कोल्ड एंड हवा चल रही है, सो येस बिकॉज ऑफ दैट वी आर फीलिंग वेरी लेजी यू नो टू गेट आउट, एंड प्लस ये स्वेटर जैकेट्स वगैरह पहन के, अभी तो कुछ है भी नहीं मेरे पास स्वेटर जैकेट, एक्चुअली रखा हुआ है पुराना वाला हमारा, बट स्वेटर जैकेट पहनने का मूड नहीं है, बट ठंडी शुरू हो गई एक्चुअली। सो यस मैं बोल रही थी ठंडी शुरू हो गई, सो इसीलिए वी आर फीलिंग वेरी लेजी टू लीव टुडे, एंड बहुत लास्ट मोमेंट प्लान बना हमारा कि घर के बाजू में हमारा जो मॉल है ओएसएस मॉल, वहाँ चलते हैं घूमते फिरते, वहाँ पे सेंटर पॉइंट है, सो इसीलिए हम लोग ओएसएस मॉल ही जा रहे हैं। कल हम लोग आए थे, हम लोग जो है कि घर से वापस आए,
और वहाँ से हम लोग पीछे हमारा गोल्ड मार्केट में गए थे, बट इट वॉज ऑल शटिंग डाउन। एंड बस ऐसे हम लोग वो जो मेरा फेवरेट इयर रिंग का स्टोर है वहाँ पे गए, एकदम इंस्टेंटली मुझे वो इयर रिंग पसंद आ गई। बट वो इयर रिंग में थोड़ा सा एक डिफेक्ट था, उसका स्क्रू ठीक से बैठ नहीं रहा था, प्लस जेवी का बैकग्राउंड आवाज चलता ही रहेगा, एंड प्लस इट वॉज 8 grams ऑफ इयर रिंग, दिखता नहीं है उतना, बट इट वॉज लाइक 8 grams एंड द मेकिंग ओनली वॉज अराउंड 6,000 rupees प्लस द वैट। वैट बहरीन में 10% वैट लगता है, इंडिया में 3% वैट लगता है इंडिया में, मतलब मेकिंग और मेकिंग और GST वगैरह सब इतना नहीं है जितना यहाँ पे मेकिंग और वैट का मुझे देना पड़ रहा है। ऑफकोर्स गोल्ड रेट इज लेस, गोल्ड रेट काफी कम है इंडिया से, मतलब 300-400 रुपए तो कम ही रहेगा, एंड डिजाइन भी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। सो मुझे इंस्टेंटली अच्छा लगा, बट वो उसका स्क्रू ठीक से बैठा नहीं, सो ही सेड दैट ही विल रिपेयर इट एंड ही विल लेट मी नो, एंड अगर मेकिंग वो कम करके देता है मेरे को, बिकॉज 6,000 rupees आई एम नॉट रेडी टू पे दैट मच, सो आई विल मेक हिम हाफ, इफ ही इज रेडी टू मेक हाफ देन आई विल बाय इट, इसीलिए। बट देन वी हैव ऑप्शंस, यू नो आई जस्ट वेंट टू द वन स्टोर, वी हैव अ फुल गोल्ड सिटी मॉल वेर आई विल गो एंड सी, आई हैव टू गेट वन और टू थिंग्स फॉर मी and one thing for star also, so let's see, we will go and buy gold also this time. So this time we are just now, right now we are just leaving and going to a mall that is just opposite of us house, wahan pe jayenge thoda sa center point hai, wahan pe dekhte ghumte phirte aate hain.